Assalamualaikum class, I am Dr. Rabia. The topic of today's discussion is enzyme kinetics, या फिर हम इसको factors affecting the rate of a reaction of an enzyme. कौन कौन से factors हैं जो कि enzyme के rate को या enzyme के reaction को जो है वो affect करते हैं, alter करते हैं या उस पे असरअंदाज होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे. तो इसमें जो सबसे पहले हम उनके नाम देख लेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सबसे पहले एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स, टाइम और लाइट एंड रेडिएशन. ये हमारे पास माइनर इफेक्ट्स हैं जो कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन है. अगर डायरेक्ट इसी तरह से आएगा कि फैक्टर्स को जो है ना वो डिस्क्राइब करें जो कि एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो आपने सबको डिटेल देनी है थोड़ी थोड़ी. और अगर शॉर्ट में आ जाएगा तो किसी एक को पूछेंगे तो आपने उस हिसाब से मार्क्स के हिसाब से लिखना है. तो सबसे पहले हम एंजाइम की कंसंट्रेशन देखते हैं. तो एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी जितना ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी उतना ज़्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन है इनटू द प्रोडक्ट, वो हमें ज़्यादा मिलेगा. यानी इसका क्या डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी एंजाइम की उतना जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यानी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा. तो ये डायरेक्ट रिलेशन जो है एंजाइम का, ये हमें जो है वो इनेबल करता है कि हम जो सीरम एंजाइम्स हैं उनको यूज़ कर सकें, या सीरम एंजाइम की जो एक्टिविटी है या वो डिसऑर्डर्स जो कि एंजाइम रिलेटेड होंगे उसको डायग्नोस करने के लिए जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम इज़ मेड यूज़ इन डिटर्मिनिंग द सीरम एंजाइम्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस. सर्टेन डिजीजेस को डायग्नोस करने के लिए हम जो है वो सीरम एंजाइम को डिटरमिन करेंगे, तो हम उससे उसका उस लेवल से जो है हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी डिजीज जो है वो हो सकती है. अच्छा जी, अब इसको लिए कि हम डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं, हम जो है वो एक नॉन वॉल्यूम ऑफ द सीरम लेते हैं, ठीक है. बाकी सब फैक्टर्स जो है वो ऑप्टिमम लेवल पर रखते हैं और एंजाइम जो है कुड बी असेड इन द लेबॉरेटरी. जो सर्टेन एंजाइम्स यूज़ होते हैं इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस वो कौन कौन से हैं. क्रिएटिन काइनेज, ये हम यूज़ करते हैं या ये इसका मेजर डायग्नोस्टिक यूज़ जो है वो हमारे पास मसल डिसऑर्डर्स या एमआई के अंदर है. मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मसल डिसऑर्डर्स या एमआई में हमारे पास ये क्या होंगे, ये जो लेवल है सीरम लेवल ऑफ दिस एंजाइम जो होगा वो रेज्ड होगा और हमें पता चल जाएगा कि ये जो इसका अंडरलाइन डिजीज़ है, ये पैथोलॉजी है, वो ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट इज लाइपेज. लाइपेज जो है वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अंदर रेज्ड होगा, या हम एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस को जो है वो जब हमने डायग्नोस करना होगा तो हम ये लाइपेज का जो है वो टेस्ट करवाएंगे कि सीरम के अंदर ये कितने पड़े हुए हैं. फॉस्फेटेज अल्कलाइन की अगर हम बात करें तो वेरियस बोन डिसऑर्डर्स के अंदर बढ़ा हुआ होता है एंड एब्जॉर्बिटिव लीवर डिजीजेस के अंदर जो है वो हमारे पास यूज होता है ये एंजाइम. दिस इज़ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम विद दैट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन. यहाँ पे हमारे पास एंजाइम की जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो एंजाइम की वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ रहा है. अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंजाइम की कंसनट्रेशन बढ़ गई. यहाँ पे आप स्टार्ट में देखेंगे तो एंजाइम की कंसनट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, हमें एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है. अगर आप इस पॉइंट पर कंसिडर करें तो ये हमारे पास क्या है, एंजाइम की कंसंट्रेशन है, और ये हमारे पास क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है. इस पॉइंट पे आप ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास आपको आइडिया हो रहा होगा कि हम जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हमारे पास क्या हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है. यहाँ पे ये बढ़ती जा रही है क्वान्टिटी, यहाँ पर ये बढ़ती जा रही है. तो इट मीन्स दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू क्वान्टिटीज इज डायरेक्ट. एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी. ये था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के, इसका क्या है कि डायरेक्ट रिलेशन है. जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तेज होगा. द नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को पढ़ने से पहले इसमें यह है कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनिशियली डायरेक्ट रिलेशन होता है, फिर एक लेवल आता है कि
जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से, और हमें इस तरह से कर्व मिलती है। इस पूरी कर्व को हमने तीन जो है ना वो पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आप इसको यहाँ तक देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए कर्व जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करिए कि हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक कर्व जो है ना वो आना शुरू हो गया कि आप जितना पहले बढ़ रहा था सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, अब उस लेवल से या उस हिसाब से कंसंट्रेशन ही बढ़ी, रेट ऑफ कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उसकी स्पीड कम हो गई है, और एक टाइम आएगा कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाएगी। आप कंसंट्रेशन बढ़ाते रहोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कि हम इनिशियली जो है वो क्या होगा, कंसंट्रेशन के डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट को ऐड करते रहोगे उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। एक टाइम आएगा कि ये हमारे पास ये जो कर्व है ये स्ट्रेट हो जाएगी, और इट मीन्स ये जो स्ट्रेट पॉइंट है ये हमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो गया ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे हम एक इक्वेशन है उसको डिराइव नहीं रखना हमने याद, हमने सिर्फ एक मेन इक्वेशन याद करनी है और उससे रिलेटेड कुछ बातें याद करनी है। ओके जी, सो द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के लिए जो सबसे पहली हमने जो टर्म याद रखनी है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन। ये पीछे भी हम अभी पढ़ते आए हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, कि इट इज़ द रेट, इसको हम वी से डिनोट करते हैं, इज़ दैट नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर कितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन और रेट ऑफ अ रिएक्शन। इसको हम यूजुअली जो है वो एक्सप्रेस करते हैं एज अ माइक्रोमोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर मिनट। अब हम यहाँ पे दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी हमारे पास है मैक्सिमम वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, इसको हम डिनोट करेंगे वी नॉट से, ठीक है। ये वो टाइम होगा जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी और हमारे पास जो एंजाइम के कंसंट्रेशन है उससे, ठीक है, यानी अब हम दो कंसंट्रेशन को रिलेट कर रहे हैं। वी नॉट हमारे पास वो टाइम होगा जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी ये वो उस रिएक्शन का इनिशियल वाला पार्ट होगा जब हम उसको एंजाइम को सबस्ट्रेट को एंजाइम के अंदर डालेंगे। फिर जैसे जैसे हमारे पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलता जाएगा, एक हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, एक वो पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे पास जो होगा वो वी नॉट जो होगा वो स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका क्या होगा, प्लेट्यू आ जाएगा, जहाँ पे आपकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, जिसमें वी नॉट जो होगा वो इंक्रीज नहीं होगा विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये हमारे पास पॉइंट होगा मैक्सिमम वेलोसिटी का, यानी इससे ज़्यादा आप गेन नहीं कर सकते, ये एंड पॉइंट है, ये फुली सैचुरेटेड स्टेट है जब आपके सारे के सारे एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम ऑक्यूपाइड होंगी बाय द सबस्ट्रेट, आपको सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ऐड करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द वी मैक्स या मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा जी, इसने फिर ऊपर वही वाली बात कह दी कि हमारे पास जो होगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज करने से हमारे पास एंजाइम का रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन ये विद इन लिमिटेड रेंज होगा। फिर एक लेवल आएगा जहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और ये लेवल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है द फुली सैचुरेटेड स्टेट, यानी आपकी सारी की सारी अवेलेबल बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं बाय दोज ऑफ द सबस्ट्रेट। ये हमारे पास कर्व हो गई, ये हमने बता दिया कि किस तरह से यहाँ तक हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा जी, अब इसको हम जो है ना एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज मिकैलिस मेंटन इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन में हमने नहीं जाना, इसका सिर्फ एक जो मेजर इसकी फाइनल डेरिवेशन है वो याद रखनी है, और ये किस अजम्पशंस की बेस पे बनी है और उसका कंक्लूजन क्या है, हमें सिर्फ ये तीन बातें याद रखनी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हमारे पास अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक हाइपोथेसिस दैट
ये एक बेसिक हाइपोथेसिस से अगर हम इसको स्टार्ट करें कि हमारे पास जो रेट लिमिटिंग स्टेप है इन द एंजाइमेटिक रिएक्शंस इज द ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू प्रोडक्ट एंड द फ्री एंजाइम्स, ये वो स्टेप है जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप है इस एंजाइम इस एंजाइमेटिक रिएक्शन का, एंजाइमेटिक कैटालिसिस का जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो स्टेप है जिसमें हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो फ्री एंजाइम और प्रोडक्ट में जाएगा। दिस स्टेप इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। और जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है मतलब हम उसको जो है अगर हम जब हम उसको डिटरमिन कर लेंगे तो इट मीन्स हमारे पास वो जो हम वी नॉट है उसको फाइंड आउट कर सकेंगे। जो इक्वेशन है अब हम वो पढ़ लेते हैं कि इक्वेशन क्या है। वी नॉट यानी जो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी मैक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय द के एम। के एम इज द कांस्टेंट ऑफ द मेंटन इक्वेशन, मिकेलिस मेंटन इक्वेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है। इसको हम मिकेलिस मेंटन इक्वेशन भी बोलते हैं या रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। अगेन रिवाइज करी हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये अब उसने पूरा जो है ना वो कहानी बता दी है कि जब हम एंजाइम को सबस्ट्रेट के अंदर डालते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी या सेम होगी। यानी जितने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उतने ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस ब्रेक डाउन होंगे इनटू द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। और ये जो है हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप है जो कि कन्वर्ट होगा इनटू द प्रोडक्ट एंड द फ्री एंजाइम। अच्छा जी, तो फिर हम जो है इसको V naught is determined by the breakdown of enzyme substrate to form the complex which is determined by the ES complexes। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो V naught है या ये जो enzyme substrate complex है ये rate limiting step है और इसको हम V naught को इस enzyme substrate complexes से find out कर सकते हैं। यानी V naught is equals to K2 into enzyme substrate complexes। ठीक हो गया। अब क्या assumptions जो थी उसकी बेस पे हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया। सबसे पहले तो हमारे पास रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, कि जब सबस्ट्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, सो दैट द परसेंटेज ऑफ टोटल सबस्ट्रेट बाउंड बाय द एंजाइम एट एनी टाइम इज़ वेरी स्मॉल। कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द एंजाइम, तो फिर हमारे पास जो टोटल सबस्ट्रेट बाउंड होगा टू दैट ऑफ द एंजाइम वो हमारे पास बहुत स्मॉल होगा at any time। The second assumption was the steady state assumption। वो ये कहता है कि हमारे पास ये जो enzyme substrate complex है ये क्या होगा इसकी quantity constant रहेगी throughout the reaction। ये time के साथ change नहीं होगा, कि जैसे जैसे reaction जो होगा वो forward direction में proceed करेगा enzyme substrate complexes decrease होना शुरू हो जाएंगे, product बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं है। क्या होगा कि हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। यानी अगर वो 15 है तो 15 ही रहेगा और आपके जितने मॉलिक्यूल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। यानी अगर 5 मॉलिक्यूल्स ई एस के डिवाइड हो रहे हैं इनटू द प्रोडक्ट एंड द एंजाइम तो इतने ही 5 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस ई एस जो है वो बनाएंगे। ठीक है, यानी ई एस बनेंगे। ये ई एस अगर 5 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जा रहा है तो 5 ही मॉलिक्यूल्स एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनाएंगे। ये हमारे पास एक दूसरी अजम्पशन है कि हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, जितना रेट ऑफ सिंथेसिस होगा उतना ही रेट ऑफ डिग्रेडेशन होगा। द थर्ड अजम्पशन इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, वी नॉट जो है वो हम यूज करते हैं इन द एनालिसिस ऑफ एंजाइम रिएक्शन। हम वी नॉट को जो है वो एंजाइम रिएक्शन के एनालिसिस में यूज़ करेंगे। किस तरह से, कि हम जो है वो जैसे ही एंजाइम को सबस्ट्रेट के अंदर डालेंगे तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। यानी उस टाइम अभी जो हमारे पास प्रोडक्ट की सिंथेसिस है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो फिर हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।
द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड एज सून एज द एंजाइम एंड सब्सट्रेट आर मिक्सड एट द टाइम द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट टू सब्सट्रेट कैन बी इग्नोर्ड. कि आप इस टाइम पे जब आप इनिशियल फेज में हो आप प्रोडक्ट के सिंथेसिस को इग्नोर कर सकते हो और हम जो है वो वी नोट को कर सकते हैं. अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये के एम बेसिकली इसमें जो है के एम जो है वो कांस्टेंट है ऑफ द ये इक्वेशन मिकैलिस मेंटेन इक्वेशन का. अब ये किस तरह से होगा दिस विल बी द के टू प्लस के थ्री डिवाइडेड बाई के वन. ये हमारे पास के एम इक्वल होगा. ये भी आगे है भी के एम इज इक्वल्स टू के टू प्लस के थ्री डिवाइडेड बाई के वन. ठीक है, यानी जितना आपका रिएक्शन जो है वो इधर जा रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बन रहा है और प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट. ठीक हो गया. अच्छा अब हम बात कर रहे थे के एम की. तो के एम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है और इसको हम डिफाइन करेंगे तो ये वो एंजाइम की कंसेंट्रेशन होगी जिसके ऊपर वी नॉट जो होगा वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल एट दैट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम. ठीक है, यानी वो कह रहा है कि हमारे पास ये वो एंजाइम की सबस्ट्रेट की क्वांटिटी होगी जहाँ पे हमें वी नॉट जो होगा वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल होगा. ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन से अगर हम जाएं तो हमने क्या कहा कि हमारे पास v नॉट जो होगा वो क्या होगा हाफ ऑफ द इनिशियल मैक्सिमम वेलोसिटी होगा. और अभी हमने पहली इक्वेशन जो देखी थी हमने कहा था कि हम v नॉट इज इक्वल्स टू v मैक्स प्लस v मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. तो जब v नॉट इक्वल है हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी के तो हम इसकी जगह पे ये ऐड कर सकते हैं. तो हमने यही किया हाफ ऑफ द v मैक्स. अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की टू इधर चला गया टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन ये के एम ओवर एस मल्टीप्लाइड बाई वी मैक्स. इसको हमने वी मैक्स से डिवाइड करेंगे तो वी मैक्स इधर आ जाएगा ये के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन राइट साइड पे चला जाएगा. वी मैक्स से कैंसिल टू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन के एम प्लस एस ये एस इधर आके माइनस होगा. तो 2s माइनस s इज इक्वल्स टू s यानी सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन. अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो हमारे पास km जो है वो वैल्यू है या km न्यूमेरिकली इज इक्वल्स टू द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन किस वेलोसिटी पे जब हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. और हाफ मैक्सिमम हमारे पास तब था जब फुली सैचुरेटेड थी सिचुएशन. All of the binding sites of the substrate enzyme जो थे वो हमारे पास क्या थे fully occupied थे. तो यानी हमारे पास ये वो substrate की concentration है Km जो है ये वो substrate की concentration है जब हमारे पास velocity जो होगी वो half of the maximum velocity होगी. तो फिर अब हमें ये क्या बता रहा है कि ये हमारे पास वो time होगा जब हमारे पास half of the enzyme molecules जो होंगे वो क्या होंगे bind होंगे with those of the substrate molecules. और ये हमारे पास क्या ये सबस्ट्रेट का वो नंबर बता रहा है के एम जो है वो हमें सबस्ट्रेट का नंबर बता रहा है. अच्छा जी, अब ये क्या है ये कांस्टेंट होता है एक करेक्टरिस्टिक एंजाइम के लिए. यानी एक एंजाइम के लिए ये के एम की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी और ये करेक्टरिस्टिक होगी ऑफ दैट एंजाइम. ये उसका फीचर होगी. अब के एम जो है वो हमें क्या बताता है तीन चीजें बताता है कि के एम जो है वो हमें अफिनिटी बताता है बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट. के एम जो है वो हमें बताता है कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द एंजाइम कंसेंट्रेशन. और इसी तरह से हमें ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन बताता है. सबसे पहले हम अफिनिटी बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम देख लेंगे कि के एम जो है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है अफिनिटी बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम. जितनी के एम की वैल्यू इनवर्स रिलेशन है इसके साथ के एम की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना अफिनिटी कम. के एम की वैल्यू जितनी कम उतनी अफिनिटी ज़्यादा. लो के एम जो होगा वो इंडिकेट करेगा स्ट्रॉन्ग अफिनिटी बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट. यानी जैसे ही एंजाइम के बीच एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट डालोगे तो फौरन से बाइंडिंग बन जाएगी के एम मतलब वो क्या कहते हैं सबस्ट्रेट यूज हो जाएगा फौरन. जबकि आपकी हाई के एम वैल्यू जो है वो क्या होगा शोज द वीक अफिनिटी कि आपने एंजाइम सबस्ट्रेट को डाला
उनके बीच में अफिनिटी नहीं थी, सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हुआ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम डालने पड़ेंगे टू गेन द केएम वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हमारे पास मेजोरिटी ऑफ एंजाइम्स के लिए केएम की वैल्यू जो है वो इतनी है और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, ये हम अभी आगे देखेंगे। ये हमारे पास एक एंजाइम के लिए ब्लू डॉटेड लाइन में केएम की वैल्यू है और ये दूसरे एंजाइम के लिए केएम की वैल्यू, ये एक स्मॉल केएम वैल्यू है। स्मॉल केएम वैल्यू मीन्स हाई एफिनिटी बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, यानी दोनों की दोस्ती है, ठीक है, एंजाइम की भी और सबस्ट्रेट की भी। जैसे ही दोनों एक मिक्सचर के अंदर डाले जाएंगे तो दोनों क्या होंगे, बाइंड कर जाएंगे और हमें सबस्ट्रेट कम से कम डालना पड़ेगा और केएम जल्दी अटेनेबल है। जबकि एक दूसरी स्नैरियो है जिसमें हमारे पास केएम जो है वो हाई है, विच मीन्स दोनों की अनबन है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिएक्शन या प्रोडक्ट गेन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा ताकि कम अज़ कम आपके थोड़े मॉलिक्यूल्स मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, रिएक्शन जो हो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सके, वेलोसिटी हमें मिल सके, वो वाली सेकेंड हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। दूसरा कंक्लूजन ये था कि हमारे पास क्या है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन, कि जितनी ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में या उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा हमें रिएक्शन मिले, जितनी ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, जितनी ज़्यादा कम करोगे उतनी ही स्पीड या वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन कम हो जाएगी। द थर्ड पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बहुत कम है देन द केएम वैल्यू, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा होगा रेट ऑफ अ रिएक्शन, और इस तरह का रिएक्शन जो होता है दैट इज सेड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर तो दैट इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मच मच ग्रेटर होगी देन द केएम वैल्यू, यानी इसमें यही बात बताई हुई है कि जब आपने एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट को डाला, ठीक है, और उनकी दोस्ती थी, आपने पांच एंजाइम डाले, पांचों के पांचों आपको जो है ना वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, और इस तरह से जो है आप एंजाइम सबस्ट्रेट डालते जाएंगे आपको प्रोडक्ट मिलता जाएगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है ये रिएक्शन, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वाइल ऑन द अदर हैंड आप सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो लेकिन आपको जो है वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो जितना ज़्यादा आप ऐड करोगे उतना जो है वो वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी और इक्वल होगी, यानी आपको सबस्ट्रेट के डालने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, एक टाइम आया था जब आपको सबस्ट्रेट डालने से कुछ नहीं मिला, ऐड नहीं हुई, स्पीड नहीं बढ़ी, वेलोसिटी उतनी की उतनी ही थी, तो दैट रिएक्शन विल नोन एज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगी रेट ऑफ अ रिएक्शन, उस तरह उस रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन वीवर बर्क प्लॉट। अच्छा, अब ये हमने वो देखा था कि हमारे पास ये बहुत स्लो रिएक्शन है, अगर आप देखो तो ये जो ग्राफ है ये बहुत स्लो स्पीड के साथ आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इतना कि आपका जो है ना वो ग्राफ ख़त्म हो जाएगा, तो इस प्रॉब्लम को जो है ना वो हमने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि हम इसको अगर बैकवर्ड लाइन में ड्रॉ करेंगे तो हमें केएम इजीली और जल्दी अटेनेबल हो जाएगी, ठीक है, तो इसको हम लाइन वीवर बर्क प्लॉट बोलते हैं। इसका आपने कुछ नहीं याद रखना, बस ये करना कि हमने क्या करना है, इनवर्स ले लेना है केएम की वैल्यू का, ठीक है, जब हमने वी नॉट यानी इनिशियल वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिटरमिन व्हेन द वी मैक्स हैज़ बीन अचीव्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल अपवर्ड स्लोप ऑफ हाइपरबोलिक कर्व एट द हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस। तो हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं इक्वेशन का, ये वही बात उसने लिखी है कि हम क्यों रेसिप्रोकल लेते हैं, कि हमारे पास जो है ना वो बहुत स्लो स्पीड पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा होता है, तो हम जो है ना इस कर्व को कर्व पेज से बाहर निकल जाएगी, हमें वैल्यूज़ जो होंगी वो नहीं मिलेंगी, तो इस वजह से हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं इस इक्वेशन का।
इक्वेशन क्या थी, के एम सॉरी वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस टू। अब इस इक्वेशन को हमने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल का मतलब यही है ना, वी नॉट इज इक्वल्स टू, अगर आपको इक्वेशन याद हो तो हमारे पास इक्वेशन जो थी वो ये थी, वी नॉट इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। इसको हमने उल्टा कर दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, और इधर v नॉट की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर v नॉट। इधर हमने यही किया लाइन वीवर प्लॉट के अंदर। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, इस प्लस को डिवाइड कर दिया, यानी के एम प्लस वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, बीच में प्लस आ गया, और ये हमारे पास s प्लस दूसरी वैल्यू आ जाएगी, जिसको अब मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, एस प्लस वी मैक्स डिवाइडेड बाय, इस तरह से ये हमारे पास अब दो घर बन गए, एक के एम प्लस वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, फिर प्लस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। अब अगर आप इसको जाके देखेंगे, अच्छा जी ये हो गया के एम ओवर वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट वन ओवर एस प्लस एस ओवर वी मैक्स, एस एस से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास के एम ओवर वी मैक्स इंटू वन ओवर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन प्लस वन ओवर वी मैक्स, ये हमारे पास क्या आ गया, ये अब हमारे हमें क्या बता रहा है कि इनवर्स ऑफ अ स्पीड रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, अटेनेबल होगा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बेशक सिर्फ यही याद कर लें तो काफ़ी होगा कि हमारे पास लाइन वीवर बर्क प्लॉट क्या होता है, इट इज़ द इनवर्स ऑफ द इक्वेशन, मेंटेन इक्वेशन, और इस तरह से हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी एक्स एक्सिस पे, जब आप इसको पीछे ड्रॉ करोगे, ये देखो ये हमारे पास जीरो पॉइंट था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट से पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन होगी, दिस विल बी द इनवर्स ऑफ द के एम वैल्यू, और ये हमें सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बता देगी कि ये वो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन होगी जिस पे हम हाफ ऑफ द वी मैक्स गेन कर सकते हैं, या ये वो सबस्ट्रेट की क्वांटिटी है जिसको हम के एम कह रहे थे, ठीक हो गया। ये स्ट्रेट लाइन आएगी और इससे हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं के एम की वैल्यू ऑन द एन एक्सिस विच ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द के एम वैल्यू। द नेक्स्ट इज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के भी क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कम होता रहेगा, इस वजह से कि जब इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होगा इनटू द फ्री इंजाइम और प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट होगी वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएगी और टेम्परेरली इनहिबिट कर देगी इंजाइम की एक्टिविटी को। लिविंग सिस्टम के अंदर हम इस टाइप ऑफ इनहिबिशन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं बाई क्विक रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा हम उसको निकाल लेंगे सिस्टम से और इस तरह से हमारा जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसका भी उसी तरह से सबस्ट्रेट की तरह से इनिशियली तो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब हमारे पास जो होगा वो एक ऐसी टेम्परेचर की वैल्यू होगी जिसमें हमारे पास मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो टेम्परेचर हमारे पास ऑप्टिमम पीएच कहलाएगा, यानी वो टेम्परेचर होगा जिस पे एंजाइम जो होगा वो अपना मैक्सिमम आउटपुट देगा। उस टेम्परेचर से आगे जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाएगी, तो हमें एक बेल शेप्ड जो है वो कर्व अपीयर होगी कि जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी जो होगा वो बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा जब हमारे पास मैक्सिमम होगा, ये हमारे पास ऑप्टिमम पीएच होगा जो कि एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होगा, इस पॉइंट पे एंजाइम अपना मैक्सिमम जो है ना वो वर्क करेगा। जैसे ही आप इस पॉइंट से मजीद आके जाएंगे तो हमारे पास इसमें क्या होगी, एंजाइम की एक्टिविटी कम होने शुरू हो जाएगी, ये हमारे पास है इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर। अच्छा जी, इसमें हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट और क्यू टेन, ये वो हमारे पास क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास एंजाइम की जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे बाय 10 डिग्रीज, यानी आप टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करोगे तो जो एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ेगी दैट विल बी द टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट है दैट इज़ बिटवीन द 0 डिग्री टू 40 डिग्रीज,
हमारे पास मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं लिविंग सिस्टम के अंदर वो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम वर्क करते हैं। ह्यूमन की आप बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम होगा वो बॉडी के जो कोर टेम्परेचर है उस पे मैक्सिमम वर्क करता है। और अगर आप जनरल बात करें तो 50 डिग्री से अबव आप जाएंगे तो हमारे पास एंजाइम के अंदर डीनेचुरेशन आना शुरू हो जाएगी। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रक्चर जो है आपको याद हो हमने 3D टर्शरी स्ट्रक्चर जो देखा था प्रोटीन का, वो हमने कहा था कि वो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो उसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो अनेबल होगा, प्रोटीन अनेबल होगी टू मेंटेन दैट स्ट्रक्चर, और जब स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो उसका फंक्शन नहीं होगा। तो दिस इज़ द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। और एक टाइम आएगा जब आप उससे भी आगे जाएंगे तो एंजाइम जो होगा वो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि दिस इज़ नॉट द परफेक्ट केस, या ये हमारे पास एक आखिरी लिमिट नहीं है जिस पर 50 डिग्री पर काम मतलब एंजाइम का ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसे लिविंग सिस्टम हैं जो कि वर्क करते हैं इवन अबव द 50 डिग्री सेल्सियस। उसकी एग्जांपल हमारे पास थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पड़े हुए होते हैं। हॉट स्प्रिंग के अंदर जो बैक्टीरिया हैं दे वर्क मैक्सिमम ऑन द 70 डिग्री ऑफ द सेल्सियस, यानी उनका ये टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको ये टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर देयर मैक्सिमम वर्क। जबकि इस टेम्परेचर पे जो लिविंग सिस्टम का जो एंजाइम जो वो है मशीनरी है वो ख़त्म हो चुकी होगी। उसने सिर्फ दो रेंजेस बता दी हैं कि लिविंग सिस्टम के अंदर कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और एक एक हायर सिचुएशन बताई है कि जो वर्किंग ज़रूरी है या वो लेवल ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है फॉर दैट पॉपुलेशन ऑफ द लिविंग सिस्टम। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पीएच। इसका बिल्कुल टेम्परेचर की तरह होगा, एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर एंजाइम का मैक्सिमम वर्क आएगा, और जैसे जैसे आप उस ऑप्टिमम पीएच की तरफ जाएंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा एट दैट पॉइंट, और जैसे जैसे आप उससे फर्दर आगे जाएंगे तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद उसने इसका बताया कि हमारे पास ये पीएच क्यों रिक्वायर्ड है। पीएच जो है वो हमारे पास लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होती है। अच्छा जी, हाँ, अब उसने ये बताया कि हमारे पास क्या है कि जो कैटालिटिक प्रोसेसेस है यानी जो एंजाइम का रिएक्शन है इसको रिक्वायर्ड होते हैं स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स इन आइदर आयोनाइज्ड फॉर्म और अनआयोनाइज्ड फॉर्म इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट। ठीक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के रिएक्शन के बीच एंजाइम के बीच में जो वीक इंटरैक्शंस बनते हैं उसके लिए उसको स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब वो ग्रुप्स जो होंगे वो एक स्पेसिफिक पीएच पे बनेंगे। ठीक है, एसिड बेस बनेंगे स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, और जब वो ग्रुप बन जाएंगे तो फिर इजीली जो होगा वो वर्क करेगा एंजाइम। उसकी एग्जांपल उसने ये बताई है कि हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप ऑफ एंजाइम जो है वो प्रोनेटेड होता है किस पीएच के ऊपर, एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर। जब आप उस अल्कलाइन पीएच के ऊपर जाएंगे तो वो जो प्रोनेटेड फॉर्म है अमाइनो ग्रुप की वो डीप्रोनेटेड हो जाएगी, और इस तरह से जो रेट होगा वो डिक्लाइन होगा। ये सारी उसने वर्किंग बताई है कि किस तरह से इफेक्ट ऑफ पीएच होता है, कि एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर हमारे पास अमाइनो ग्रुप्स जो होंगे वो एसिडिक बेसिक में चले जाएंगे, उसकी वजह से इंटरेक्शन होगा बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। जब आप पीएच कम कर दोगे तो वो जो एसिड बेसिस होंगी वो नहीं बनेंगी, जब वो नहीं बनेंगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में स्पेसिफिक जो इंटरेक्शन बनना था वो नहीं बनेगा, और जब ES कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। रेंज बता दी है पीएच की, वो हमारे पास 6 to 8 है, लेकिन उसी तरह से ये हमारे पास बिल्कुल फाइनल वैल्यू नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो बॉडी के अंदर पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल द पेप्सिन, पेप्सिन जो है हमारे पास एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है स्टमक के अंदर जो कि मैक्सिमम वर्क करता है एट द एसिडिक पीएच यानी 2 pH, इस वैल्यू के कहीं आसपास नहीं है। इसी तरह से उसने एक और लिविंग सिस्टम बता दिया कि हमारे पास प्लांट और फंजाई जो हैं वो एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं 4 to 6 रेंज। ये हमारे पास उसी तरह से बेल शेप्ड है कि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा, एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर हमारे पास ऑप्टिमम वर्क मिलेगा, और जैसे आप उससे आगे जाएंगे तो एंजाइम जो होगा वो इनएक्टिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा।
नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एक्टिवेटर्स कि हमारे पास कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेटर्स होते हैं, मेटल एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है. अब जब तक एक्टिवेटर नहीं जुड़ेगा या जब तक एक्टिवेटर अपना काम नहीं करेगा, एंजाइम काम नहीं करेगा और आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलेगा. उसके बाद उसने कुछ एग्जांपल्स बता दिए कि हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस की कौन कौन से एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया. दीज आर सम ऑफ द इनऑर्गेनिक मेटल आयंस जो कि एक्टिवेटर के तौर पर काम करेंगे. अब उसने बताया कि ये हमारे पास वेरियस मैकेनिज्म्स के थ्रू जो हैं वो मेटल फंक्शंस करती हैं. या तो वो इन सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करके उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करेंगी, या एंजाइम सबस्ट्रेट मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे इन द रिएक्शन, या फिर हमारे पास एंजाइम के अंदर वो कन्फर्मेशनल चेंजेस इंड्यूस करेंगी जो कि एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं. ये सम ऑफ द मैकेनिज्म्स हैं जो एक्टिवेटर्स परफॉर्म कर सकती हैं. अब दो तरह की एक्टिवेटर्स होते हैं, एक मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स हैं और एक मेटेलो एंजाइम्स हैं. मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स हमारे पास वो एंजाइम्स होंगी जिसमें मेटल जो होगी वो टाइटली बाइंड नहीं होगी एंजाइम के साथ और ये इजीली एक्सचेंज हो जाएगी विद द अदर एंजाइम. यानी वो पार्ट ऑफ द एंजाइम नहीं होगा कि टाइटली उसके साथ बाइंड नहीं होगा कि उसके साथ बस जुड़ी है तो जुड़ी ही रहेगी. क्या होगा कि जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा मेटल उसके साथ जुड़ जाएगी, उसका जो है फंक्शनिंग कराएगी और फिर ईजिली जो होगी वो डिटैच हो जाएगी या रिप्लेस हो जाएगी विद द अदर एंजाइम. एग्जाम्पल एटीपेज है. अगर हम मेटेलो एंजाइम्स की बात करें तो मेटेलो एंजाइम्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, मेटल जो होगी वो टाइटली बाइंड होगी विद द एंजाइम. यानी उसका कोई लेना देना नहीं कि कब सबस्ट्रेट आ रहा है कब नहीं आ रहा, उसने एंजाइम का वो एक तरह से पार्ट है एंजाइम का और वो एक्सचेंज एबल नहीं है. एग्जाम्पल इसकी क्या हो गई, हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हो गया, पाइरोवेट ऑक्सीडेज एंजाइम हो गया, या फिर ऑक्सीडेज जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम हो गया जो कि क्या करते हैं मेटेलो एंजाइम्स की एग्जांपल्स हैं जिसमें उसकी जो मेटल आयंस होंगी वो पार्ट ऑफ द एंजाइम होंगी. द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि हमारे पास जो टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर द एंजाइम रिएक्शन, अगर बाकी सारी चीज़ें ऑप्टिमल अपना वर्क कर रही हैं या अंडर आइडियल कंडीशन पड़ी हुई है तो टाइम जो होगा वो कम रिक्वायर्ड होगा. यानी सारी चीज़ें पूरी हैं, टेम्परेचर रिक्वायर्ड है जितना उसको उतना है, पीएच उतनी है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, सारा कुछ ठीक चल रहा है तो इट मीन्स जो टाइम होगा वो कम से कम होगा टू मेक द प्रोडक्ट्स. अच्छा जी. और अगर टाइम में वेरिएशन आती है तो इट मीन्स वो किससे रिलेट कर रही होती है कि या तो पीएच चेंज हो गई है या टेम्परेचर चेंज हो गया, उसकी वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का जो टाइम होगा वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ेगा ही बेसिकली. द नेक्स्ट इज लाइट एंड रेडिएशन कि हमारे पास कुछ ऐसी रेज होती है, कुछ ऐसी वेवलेंथ होती है जिसपे एंजाइम जो होगा वो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा और उसकी इनएक्टिवेशन जो होगी दैट विल रिजल्ट इन द डिक्लाइन इन द रेट ऑफ अ रिएक्शन. ठीक हो गया. उसकी एग्जाम्पल उसने कहा है कि हमारे पास जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, दीज इनहिबिट द सलाइवरी अमाइलेज एक्टिविटी. ये था हमारा कंसंट्रेशन एंजाइम काइनेटिक्स कि हमारे पास किस तरह से जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो एंजाइम के रेट को अफेक्ट करती हैं. जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो आप लोग मुझसे पूछ लेना. अल्लाह हाफिज़.